अन्योहासे एरोवन, मन्ना सवंगा वयो। दोस्तों, इंडिया में बीटीएस का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि हर दिन सोशल मीडिया पर बीटीएस से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज देखने और सुनने को मिल जाती है। ऐसी ही एक न्यूज कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि आजकल बॉलीवुड में बीटीएस का क्रेज काफी बढ़ गया है और ना जाने कितने एक्टर और एक्ट्रेसेस बीटीएस आर्मी बन गए हैं, जिसमें दिशा पाटनी का नाम सबसे आगे है। हालांकि बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीपिका का नाम भी आए दिन बीटीएस से जुड़ता रहता है। यहाँ तक कि उनके फैंस दीपिका और बीटीएस की एडिट वीडियोस भी बनाते रहते हैं। लेकिन कल से दीपिका और तेते का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसका एक रीजन ये भी है कि दीपिका इस बात को कई बार कन्फेस कर चुकी हैं कि वे बीटीएस आर्मी हैं। यही वजह है कि 2019 में आईफा अवार्ड शो में दीपिका ने पर्पल कलर का ड्रेस वेयर किया था। साथ ही इस पिक्चर के साथ उन्होंने कैप्शन में आई पर्पल यू लिखा था। जब से आर्मी इस बात को अच्छे से समझ गई है कि दीपिका सभी मेंबर्स में तेते को सबसे ज्यादा पसंद करती है, और जब दीपिका और रणवीर अपनी अपकमिंग मूवी 83 के प्रमोशन के लिए दुबई से आते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए, तो सोशल मीडिया पर ये गॉसिप फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि दीपिका ने जो टी शर्ट वियर की थी वो तेते के फेवरेट ब्रांड यानी सिलिन की टी शर्ट थी। अगर आप बांगतन बॉयज की न्यूज से अपडेटेड रहते होंगे तो आप इस बात को अच्छे से जानते ही होंगे कि तेते का ये फेवरेट ब्रांड है, और अक्सर वे इस ब्रांड की टी शर्ट वियर करते दिख जाते हैं। और ऐसी ही टी शर्ट में दीपिका एयरपोर्ट पर देखी गई, जिसमें वे हमेशा की ही तरह ब्यूटीफुल दिख रही थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर गॉसिप स्टार्ट हो गई कि ये टी शर्ट किस पर ज्यादा अच्छी दिख रही है, जिसमें कुछ आर्मीज का कहना था कि ये टी शर्ट सिर्फ वी पर ही अच्छी लगती है। वहीं दीपिका के फैंस का कहना था कि वे कुछ भी पहने वे सभी ड्रेसेस में अच्छी दिखती हैं। वेल, हम तो यही कहेंगे कि इस टी शर्ट में दोनों ही काफी अच्छे दिखते हैं, और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि दीपिका बीटीएस की फैन है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीटीएस और दीपिका दोनों ही सिलिन के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। इस ब्रांड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ब्लैक पिंक मेंबर लीसा हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस टी शर्ट में कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, उरी द मेट्रो बायो।